हेलो फ्रेंड्स, ये ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे गर्भावस्था के दौरान कौन से सप्ताह से गर्भ में शिशु के दिमाग का विकास होना शुरू हो जाता है और तब गर्भवती महिलाओं को अपना आहार कैसा रखना चाहिए जिससे कि उनके शिशु का दिमाग और भी तेजी से विकसित हो और जन्म के बाद उनका शिशु काफी तेज और बुद्धिमान हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें जिससे इस चैनल पर आगे आने वाली हर प्रेगनेंसी वीडियो आप देख सकें। फ्रेंड्स, गर्भ धारण करने के बाद से ही हर गर्भवती महिला की इच्छा होती है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु दिमागी रूप से काफी स्वस्थ, तंदुरुस्त और बुद्धिमान हो, जिसके लिए पूरी प्रेगनेंसी गर्भवती महिलाओं को अपने आहार पर खास ध्यान देने की आवश्यकता होती है। लेकिन उससे भी पहले उनके लिए ये जानना जरूरी होता है कि उनके गर्भ में पल रहे शिशु का दिमागी विकास कौन से सप्ताह से होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, गर्भ में पल रहे शिशु का दिमागी विकास गर्भावस्था के 7 वीक से लेकर 8 वीक में, यानी 7वें सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह में होना शुरू हो जाता है। गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीने में भ्रूण में नर्वस सिस्टम का विकास होना भी शुरू हो जाता है, जिसमें करोड़ों की संख्याओं में न्यूरॉन्स जुड़ने लगते हैं और इसका काफी तेजी से विकास होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद से धीरे धीरे जैसे आपकी गर्भावस्था आगे बढ़ती है, यानी जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, आपके गर्भ में पल रहे आपके शिशु के शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी तेजी से होना शुरू हो जाता है। और जब आप प्रेगनेंसी के 16वें सप्ताह में पहुंच जाते हैं, यानी गर्भावस्था के 4थे महीने में पहुंच जाते हैं, तब गर्भ के भीतर आपका शिशु हल्का फुल्का मूवमेंट करना भी शुरू कर देता है। लेकिन ये मूवमेंट इतना ज्यादा हल्का होता है कि ऐसी गर्भवती महिलाएं जो पहली बार माँ बन रही होती हैं, वो इसे समझ नहीं पाती। फिर जैसे ही आप गर्भावस्था के 20वें सप्ताह में पहुँचती है, यानी 5वें महीने में पहुँचती है, शिशु का शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट और भी ज्यादा हो चुका होता है और उस समय तक शिशु की मूवमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, इसे आप आसानी से समझ सकती हैं, महसूस कर सकते हैं। गर्भावस्था के इस 5वें महीने में शिशु का दिमाग इतना ज्यादा विकसित हो चुका होता है कि वो बाहरी बातों को समझने में भी सक्षम हो जाता है और कई बार तो वो आपकी बातों को समझकर किक के द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएं देना भी शुरू कर देता है। इसके अलावा गर्भ में शिशु के दिमागी विकास में कोई कमी ना आए, शिशु का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके, इसके लिए गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो प्रेगनेंसी के 3 मंथ स्टार्ट होते ही वो ओमेगा 3 फैटी एसिड और फॉलिक एसिड से भरपूर सप्लीमेंट का सेवन करें। फ्रेंड्स, वैसे तो अगर आप गर्भ धारण कर लेती हैं और डॉक्टर के कंटिन्यू चेकअप में रहती हैं, तो डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम और विटामिन के टेबलेट लिखते हैं, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, आपके बॉडी में किसी प्रकार के पोषक तत्व की कमी ना हो, शिशु का दिमागी विकास और शारीरिक विकास अच्छे से हो सके। और डॉक्टर आपको ये सारे टेबलेट इसलिए लिखते हैं क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद हार्मोनल चेंजिंग के कारण गर्भवती महिलाओं का खान पान काफी ज्यादा बिगड़ जाता है, इस वजह से वो अपने स्वाद के अनुसार आहार को अपने भोजन में शामिल करती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद प्रेग्नेंट वुमेन को अपने स्वाद के अनुसार नहीं बल्कि अपनी जरूरत के अनुसार आहार को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। तो ऐसे में डॉक्टर द्वारा लिखे गए टेबलेट आपके बॉडी में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। फ्रेंड्स, गर्भावस्था के दौरान गर्भ में शिशु का विकास तो प्रेगनेंसी के 7 वीक से होना ही शुरू हो जाता है, लेकिन उस समय तक आपके बॉडी में काफी ज्यादा हार्मोनल चेंजिंग होती है, आपको काफी ज्यादा वॉमिटिंग होने लगती है कि मुंह का सब करवा या फिर कसैला सा हो जाता है, जिसके कारण आप खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती और लगभग प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में पहुंचने के बाद या फिर प्रेगनेंसी के 3rd मंथ के बाद से आपको इन सारी प्रॉब्लम से काफी हद तक छुटकारा मिल जाता है। तो ऐसे में प्रेगनेंसी के 3रे महीने से आपको चाहिए कि आप अपने आहार में फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन और मिनरल से भरपूर आहार का सेवन करें, जिससे कि आपके गर्भ में पल रहे आपके शिशु का दिमागी विकास तेजी से होना शुरू हो जाए। गर्भावस्था के 3रे महीने से आप अपने भोजन में प्रोटीन युक्त सामग्री को भी अवश्य शामिल करें। 3रे महीने से आपको चाहिए कि आप रोजाना कम से कम 2 मौसमी फल का सेवन करें, ड्राई फ्रूट्स लें जिसमें बादाम और अखरोट को जरूर शामिल करें, इससे शिशु का ब्रेन डेवलपमेंट काफी तेजी से होता है। रोजाना सुबह शाम 1 ग्लास दूध जरूर लें। इसके अलावा हरे साग सब्जियां, मीट, मछली, अंडा, दाल, दही, लस्सी, पनीर या दूध से बनी दूसरी कोई सामग्री, अंकुरित अनाज, ताजे फलों के जूस, नारियल पानी, नींबू पानी, इन सबको अपने आहार में शामिल जरूर करें। इन सबके सेवन से गर्भ में आपके शिशु का दिमागी विकास तो होगा ही, साथ ही साथ शिशु के हेल्थ का डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ काफी अच्छे से होगा। प्रेगनेंसी के दौरान अपने आहार के साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि पूरी प्रेगनेंसी आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। अगर आप बताए गए आहार का सेवन पूरी प्रेगनेंसी करती हैं और पानी ज्यादा से ज्यादा पीती हैं, तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलते हैं और आपकी डिलीवरी में किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आते। तो फ्रेंड्स, अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।